मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी घोषित होने के बाद दंगे का जिन फिर बाहर आ गया है। खरगोन के बहुचर्चित दंगे को लेकर कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी रवि जोशी ने बड़ा बयान दिया है। उन्हीं के एक भाषण का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। चुनावी माहौल में कांग्रेस प्रत्याशी रवि जोशी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। रवि जोशी के भाषण का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जोशी कहते नजर आ रहे हैं कि 17 नवंबर को वोटिंग हो जाए और 3 दिसंबर को काउंटिंग, फिर शाम को सरकार बनते ही खरगोन दंगे की जांच के आदेश करवा देंगे, दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी बयान पर पलटवार करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रवि जोशी ने दिग्विजय सिंह से दीक्षा ली होगी। उन्होंने पहले भी दंगों की जांच की और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े करते रहे। दिग्विजय सिंह शुरू से ही प्रदेश को अशांति की ओर धकेलने का काम करते हैं। कांग्रेस की सियासत ये कहती है कि मुसलमान को दंगे का डर दिखाकर इकट्ठा रखो, भाजपा का डर दिखाकर इकट्ठा रखो। रवि जोशी जी ने दिग्विजय सिंह से दीक्षा ली होगी, वो पहले भी दंगों की जांच की और पुलिस की जांच की, पुलिस की भूमिका की चर्चा करते रहे, क्योंकि तो दिग्विजय सिंह की आप देखेंगे शुरू से ही प्रदेश को अशांति की तरफ धकेलना चाहते हैं। कांग्रेस की सियासत ही ये कहती है कि मुसलमानों को दंगे का डर दिखा के इकट्ठा रखो, भाजपा का डर दिखा के इकट्ठा रखो और हिंदुओं को जातियों में बांट के इकट्ठा रखो। फिर है रण की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।